मेरी तमाम वीडियोस देखने के लिए इस लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम मेरी वीडियोस बज़रिए ईमेल नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं एमएस हेल्पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आज आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं। दोस्तों ये मैं उन दोस्त अहबाब के लिए वीडियो हाथों पर बना रहा हूं जो कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और वो अपने दोस्तों और खानदान के साथ चैटिंग करते हैं। दोस्तों हमने बहुत बात ऐसी कोई प्राइवेसी लगाई होती है, प्राइवेट चीज़ रखी होती है व्हाट्सएप में, जो कि हम ये चाहते हैं कि हमारे खानदान वाले या हमारे दोस्त उसको ना पढ़ सकें और ना उसे समझ सकें। तो दोस्तों इसी लिए व्हाट्सएप है जो वो बहुत बड़ा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को चैटिंग और वीडियो कॉल आइडियो कॉल प्रोवाइड करता है। दोस्तों व्हाट्सएप अब दुनिया में बहुत ज़्यादा छा चुका है, इससे कई बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप वालों ने ये जो नया अपडेट किया है इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर दी है, जिससे हम अपने मोबाइल पर ही व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी जो काफ़ी व्हाट्सएप में चीज़ें होती हैं वो हम महफूज रख सकते हैं, ना वो हमारे खानदान वाले देख सकते हैं और ना हमारे दोस्त। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी के तकरीबन कुछ स्टेप हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो के साथ मुझे बनी रहिएगा, मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर वो स्टेप बता दूंगा जो कि व्हाट्सएप पर मौजूद हैं और आपको नहीं पता। दोस्तों जो खासतौर पर जो नए व्हाट्सएप वाले हैं उनको ये मुश्किल हो जाता है कि उनके लिए जानना कि ये किस तरह ऑन की जाती है सिक्योरिटी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब पर नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि वो कौन सी सिक्योरिटीज हैं जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपनी सेटिंग की तरफ। दोस्तों सबसे पहले जो आपने अपना सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है वो इसलिए करना, वो ये करना है कि जब आप कोई मोबाइल पर दूसरा अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो वो आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। तो दोस्तों उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पर अकाउंट में चले जाना है, अकाउंट में जाने के बाद दूसरे नंबर पर लिखा हुआ तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन। दोस्तों ये सबसे पहला तरीका है जो कि ये बहुत अच्छा होता है। इसके लिए दोस्तों आपने 6 पिन कोड लिख लेना है और जो आप आसानी के साथ याद रख सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों अपना ईमेल दे देना है उनको। ये दोस्तों ईमेल इसलिए होता है ताकि जब आप अपना व्हाट्सएप किसी दूसरे मोबाइल में इस्तेमाल करेंगे तो वो इस ईमेल पर आपको कुछ नोटिफिकेशन पिन कोड देगा जो कि आपको उसमें डालना होगा, तो फिर ही उस वक्त आपका व्हाट्सएप ओपन होगा। दोस्तों ये डन कर दिया और ये एक वेरिफिकेशन स्टेप हो चुका। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अब दूसरे स्टेप की तरफ। दोस्तों जो दूसरा है वो है प्राइवेसी का। दोस्तों प्राइवेसी में आपने जाना है और आप अपने जो होते हैं दोस्त अहबाब उनको अगर आप अपना कोई लास्ट सीन दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो नोबॉडी कर सकते हैं। दोस्तों ये भी एक तरीका है कि आप अपने जो सीन यानी कि जो मैसेज होते हैं वो आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों इसी तरह ये फ़ोटो भी है, फ़ोटो को भी नोबॉडी कर सकते हैं। ये फ़ोटो आपको सिर्फ आपके मोबाइल की नज़र आएगी, दूसरों को नहीं नज़र आएगी। दोस्तों इसी तरह अबाउट है, अबाउट में जो कुछ हम लिखते हैं वो भी बंद हो जाएगा नोबॉडी करने से। उसी तरह दोस्तों ये स्टेटस भी इसी तरह होता है, लोकेशन का भी दोस्तों इसी तरह काम होता है। दोस्तों आइए आप तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं कि वो कौन सी है। दोस्तों सिक्योरिटी पर चले जाना है आपने और देखिए ये देखा लिखा हुआ है कि शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, यानी कि जो भी कोई आपकी सिक्योरिटी होगी उसको आपने शो करना है या नहीं। तो दोस्तों आप इसे बंद भी कर सकते हैं और इसे ऑन भी रख सकते हैं। ये भी एक अपने व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने का तरीका है। दोस्तों उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप चेंज नंबर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसके बाद बस इतनी ही यहाँ पर सिक्योरिटी। अब दोबारा फिर पीछे सेटिंग में चले जाते हैं और दोस्तों उसके बाद ये जो अगला तरीका है वो व्हाट्सएप डेस्कटॉप या वेब पर चलाना हो तो आपको यहाँ पर ये जो लिखा है स्कैन QR कोड, दोस्तों इसको आपने स्कैनिंग कर लेना है। इससे आपका मोबाइल और कंप्यूटर का जो व्हाट्सएप है वो एक हो जाएगा और आप आसानी से अपने में कंप्यूटर पर और या मोबाइल पर व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों इसके दोस्तों आपको अपनी सिक्योरिटी महफूज करने के लिए एक ये भी तरीका है कि अगर आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं तो दोस्तों ये देखें, मैंने पहले ही ये जो कलर आपको ग्रीन कलर और ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये जो कलर है मैंने कलर लगाया ताकि वो कोई मेरा मैसेज ये पढ़ ना सके। दोस्तों इसी तरह ये देखें कि मैंने एक और किसी को मैसेज सेंड करना है, तो दोस्तों ये देखें स्क्रीन के ऊपर पेंसिल का निशान होता है, जो दोस्तों पेंसिल के ज़रिए हम इसको ये देखें दोस्तों, अगर हमने ये लाइन अपने दोस्त से महफूज रखनी है तो हम इस तरह इसको कलर कर देंगे, इसको भी कर देंगे, दूसरी तीसरी लाइन को भी कर देंगे, इससे वो दूसरा मैसेज तो वो पढ़ लेगा लेकिन ये मैसेज उसके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, और दोस्तों इस तरह हम इसको सेंड कर देंगे। दोस्तों ये देखें दोस्तों ये तो होगी हमारे अकाउंट की सेटिंग और व्हाट्सएप वेब या डेस्कटॉप की सेटिंग। दोस्तों उसके बाद हम चैट्स में चले जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ अपनी सेटिंग कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। नहीं दोस्तों हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यही थी कोई सेटिंग है जो आपने मैंने आपको बतानी थी, जिससे आप अपने व्हाट्सएप को बिल्कुल महफूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको कोड भी लग सकता है और इसी तरह आप अपने मोबाइल में ही अपने व्हाट्सएप को महफूज कर सकते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन अगर आप अपनी नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, यानी कि मैसेज जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन ऑन होगी, और अगर आप ग्रुप से बहुत तंग हैं और तो आप उसकी नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, जिस तरह का मैंने बंद करके रखी हुई है। ये देखें दोस्तों ये ऑन की तो ये ग्रुप की नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पर ऊपर मोबाइल के ऊपर वाली स्क्रीन पर शो होना हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं आपको चाहिए तो आप इसको बंद रख सकते हैं। दोस्तों मैंने बंद रखी हुई है। दोस्तों उसके बाद अगली जो बात कर लेते हैं वो है दोस्तों, अगर आप चैटिंग के दौरान किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो कोई आपको सेटिंग में दोस्तों मिसाल के तौर पर मैं दिखा, ये मेरी कोशिश किस तरह लगी आप ज़रूर प्लीज़ मुझे अपने कमेंट में इजहार कीजिए अपनी राय का कि मेरी जो ये मैंने तकरीबन जो जितने मिनट्स की भी वीडियो बनाई है आपको कैसी लगी। दोस्तों मेरी इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज कार्टून देखते रहें। दोस्तों अगर आपको किसी और सोशल मीडिया या किसी और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वीडियो के सबसे नीचे में जाकर कमेंट दे सकते हैं। दोस्तों कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि बता सकते हैं मुझे कि अगर मुझमें थोड़ी बहुत ही गलती होगी है तो मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा और आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अपना इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट में और ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, अगर मेरे जो वीडियो है थोड़ी बहुत ही गलती हो चुकी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट में जाहिर कीजिए, अगर अच्छी भी लग चुकी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें ताकि आपके दावत से ही मेरा चैनल हमें ग्रोथ करेगा। ओके शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे।